Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Today we will study about bronchopulmonary segments. Bronchopulmonary segments lung के anatomic, functional and surgical sectors होते हैं. इसे हम following subheadings में describe करेंगे. Number one, numbers. Number two, definition. Number three, names. And number fourth is applied anatomy of bronchopulmonary segments. But इनको डिस्क्राइब करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स. देयर आर 10 सेगमेंट्स ऑन द राइट लंग एंड 10 सेगमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड. राइट लंग में 10 सेगमेंट होते हैं एंड लेफ्ट साइड में या लेफ्ट लंग में भी 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड पॉइंट इज द डेफिनेशन. These are well-defined anatomic, functional and surgical sectors of the lung. ये lung के anatomic, functional and surgical sectors होते हैं जो कि well-defined होते हैं. Each one segment is aerated by a tertiary or segmental bronchus. हर एक segment के aeration के लिए एक tertiary और segmental bronchus present होती है. Each segment is pyramidal in shape with its apex towards the root of the lung. हर एक segment का shape pyramidal होता है एंड इसके एपेक्स का डायरेक्शन रूट ऑफ लंग की तरफ होता है. ईच सेगमेंट हैज अ सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल आर्टरी, ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स. हर एक सेगमेंट की एक सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल आर्टरी, ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स होती है. इट्स कनेक्टिव टिश्यू हैड्स सेगमेंटल वेन्यूल्स विच लाई बिटवीन द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स. दो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड इस कनेक्टिव टिश्यू में सेगमेंटल वेन्यूल्स प्रेजेंट होती है. ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन वर्क्स अलोंग वेन्स टू रिमूव अ पर्टिकुलर सेगमेंट. सर्जरी के टाइम पर सर्जन को अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट रिमूव करना है तो वो वेन्स के अलोंग चलता है जिससे एक पर्टिकुलर सेगमेंट उसको आइडेंटिफाई हो जाता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ टू एडजेसेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स. दिस इज अ सिंगल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. हर एक सिंगल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में एक सेगमेंटल ब्रोंकस प्रेजेंट होती है. दिस इज द सेगमेंटल ब्रोंकस. एक सेगमेंटल आर्टरी प्रेजेंट होती है. दिस इज द ब्रोंकियल वेन. दिस इज सेगमेंटल आर्टेरियोल एंड इसमें कुछ ऑटोनॉमिक नर्व्स भी प्रेजेंट होती है जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में प्रेजेंट होती है. दो सेगमेंट्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड उसमें एक सेगमेंटल वेन्यूल प्रेजेंट होती है. दिस इज द सेगमेंटल वेन्यूल. अगर सर्जन को किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को रिसेक्ट करना है और रिमूव करना है तो सर्जन को इस मैन्यूअल के थ्रू वर्क करना पड़ता है ताकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को इजीली रिमूव किया जा सके. सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स. थर्ड पॉइंट इज द नेम्स ऑफ सेगमेंट्स. फर्स्ट इज राइट लंग. राइट लंग में तीन लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब. अपर लोब में तीन सेगमेंट्स होते हैं, एपाइकल, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर. मिडिल लोब में भी दो सेगमेंट्स होते हैं, लेटरल एंड मीडियल. एंड लोअर लोब में पांच सेगमेंट्स होते हैं, सुपीरियर, मीडियल वेसल, इंटीरियर वेसल, लेटरल वेसल एंड पोस्टीरियर वेसल. सेकेंड इज लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब. अपर लोब में भी पांच सेगमेंट्स होते हैं, अपाइकल, पोस्टीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर लिंगुलर एंड इन्फीरियर लिंगुलर. एंड लोअर लोब में भी पांच सेगमेंट्स होते हैं, सुपीरियर, मीडियल वेसल, इंटीरियर वेसल, लेटरल वेसल एंड पोस्टीरियर वेसल. इस तरह से राइट लंग एंड लेफ्ट लंग दोनों में 10-10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस आर द नेम ऑफ सेगमेंट्स ऑफ बोथ लंग्स. दिस इज द डायग्राम ऑफ बोथ द लंग्स शोइंग सेगमेंट्स फ्रॉम कोस्टल एस्पेक्ट. जब आप कोस्टल एस्पेक्ट से देखते हैं तो आपको ये सारे सेगमेंट्स दोनों लंग्स में देखने को मिलते हैं. दिस इज द राइट लंग. दिस इज द ऑब्लिक फिशर एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर. हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर ये अपर लोब होती है. अपर लोब में तीन सेगमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एपाइकल, सेकेंड पोस्टीरियर एंड थर्ड इज एंटीरियर. दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिशर एंड दिस इज ऑब्लिक फिशर. इन दोनों के बीच में मिडिल लोब होती है. मिडिल लोब में दो सेगमेंट्स होते हैं, दिस इज लेटरल एंड दिस इज मीडियल सेगमेंट. ओब्लिक फिशर के नीचे लोअर लोब प्रेजेंट होती है. दिस इज द लोअर लोब. लोअर लोब में पांच सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दिस इज सुपीरियर, दिस इज एंटीरियर वेसल,
दिस इज लेटरल वेसल एंड दिस इज पोस्टीरियर वेसल. मीडियल वेसल सेगमेंट को कोस्टल एस्पेक्ट से नहीं देखा जा सकता. सिमिलरली लेफ्ट लंग में भी मीडियल वेसल सेगमेंट कोस्टल सर्फेस से नहीं दिखता है. दिस इज द लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग में सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑब्लिक फिशर, एंड दो लोब्स होते हैं. दिस इज द अपर लोब एंड दिस इज लोअर लोब. इसके अपर लोब में भी 5 सेगमेंट होते हैं एंड लोअर लोब में भी 5 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस सेगमेंट्स आर एपाइकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर लिंगुलर एंड इन्फीरियर लिंगुलर. लोअर लोब में भी 5 सेगमेंट्स होते हैं. दिस इज सुपीरियर, दिस इज एंटीरियर वेसल, लैटरल वेसल एंड पोस्टीरियर वेसल. मीडियल वेसल सेगमेंट कोस्टल एस्पेक्ट से लेफ्ट लंग में भी नहीं दिखाई देता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ बोथ द लंग्स फ्रॉम द मीडियल सर्फेस. दिस इज लेफ्ट लंग एंड दिस इज राइट लंग. लेफ्ट लंग में मीडियल सर्फेस से देखने पर आपको सारे सेगमेंट्स दिखाई देते हैं. लेट्स सी. दिस इज एपाइकल, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर, दिस इज सुपीरियर लिंगुलर, दिस इज इन्फीरियर लिंगुलर, दिस इज सुपीरियर, दिस इज मीडियल वेसल, दिस इज एंटीरियर वेसल, दिस इज लेटरल वेसल एंड दिस इज पोस्टीरियर वेसल. सो ऑल द सेगमेंट्स कैन बी सीन ऑन द लेफ्ट लंग फ्रॉम मीडियल सर्फेस. दिस इज द राइट लंग फ्रॉम द मीडियल सर्फेस. इसमें आपको लेटरल सेगमेंट देखने को नहीं मिलता है, बाकी सारे सेगमेंट्स आप देख सकते हैं. लेट्स सी. दिस इज एपाइकल, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर सेगमेंट. लेटरल सेगमेंट इसमें देखने को नहीं मिलता है. दिस इज मीडियल सेगमेंट, दिस इज सुपीरियर, दिस इज मीडियल वेसल, दिस इज एंटीरियर वेसल, दिस इज लेटरल वेसल एंड दिस इज पोस्टीरियर वेसल. सो दिस आर द सेगमेंट्स विच आर सीन फ्रॉम द मीडियल सर्फेस ऑन राइट लंग. फोर्थ पॉइंट इज द अप्लाइड एनाटॉमी. इन्फेक्शन ऑफ ए ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड टू दैट सेगमेंट. अगर एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में इन्फेक्शन हो जाए तो वो उसी सेगमेंट में रेस्ट्रिक्ट रहता है. बट ट्यूबोकुलोसिस एंड कार्सिनोमा में स्प्रेड फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर. बट ट्यूबोकुलोसिस एंड कार्सिनोमा एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में स्प्रेड हो सकते हैं. टू आइसोलेट और रिसेक्ट अ सेगमेंट द सर्जन हैज टू वर्क अलोंग अ सेगमेंटल वेन्यूल. अगर सर्जन को किसी एक सेगमेंट को आइसोलेट करना है या रिसेक्ट करना है तो उसे सेगमेंटल वेन्यूल के थ्रू काम करना पड़ता है. So this is the applied anatomy of bronchopulmonary segments. So these all were the details of bronchopulmonary segments. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए.